मैं श्वेता स्वागत कर रही हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं आप लोग को आज एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं सोची ब्लॉग तो रोज़ हमारी जाती है, कभी कभी हमें कुछ अलग अलग रेसिपी भी शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आज सोची आप लोग के साथ एक बेहतरीन रेसिपी शेयर करूँगी। तो गाइज आपने सुना होगा अरबी के पत्ते, तो आज मैंने डिसाइड किया जो अरबी की पत्ते के एकदम गांव की स्टाइल में सब्जी बनाने वाली हूँ, और वो तो आपको वीडियो में दिखेगा जो मैं कैसे किस स्टाइल में बना रही हूँ। और मेरे लिए भी शायद फर्स्ट बार था, क्योंकि मैं फर्स्ट बार उस तरह से खुद बनाई, क्योंकि मैं बचपन में अपनी नानी दादी और मम्मी सबको देखती थी उस टाइप से बनाते हुए, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आता है। ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकती जो ज़्यादा मुझे आता है, तो मैं थोड़ा बहुत उस तरीके से आप लोग के साथ शेयर करूँगी अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम इधर नहीं लूँगी, क्योंकि उधर दिखाऊँगी आपको जो कैसे घर में गांव में ऐसे आसपास में बगीचे में कैसे अरबी के पत्ते लगा के खुद मतलब बाड़ी में वगैरह में लगाते हैं और फिर उसको तोड़ के काट के कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो अभी मैं पहुँच गई थी अपने अरबी के पत्ते के बगीचे में, और इसको मैं छुरी के सहारे से आसानी से काट लूँगी, क्योंकि इसके अंदर से जो रस निकलती है वो थोड़ा उससे हमारे कपड़े पर अगर छींटे पड़ जाते हैं तो दाग भी लग जाती है। तो यहाँ पर मैं अरबी के पत्ते को आराम आराम से कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे घर में ही मतलब घर के पीछे में मैं बगीचा लगा रखी हूँ अरबी के पत्ते को, तो इसको एक एक करके जो बढ़िया बढ़िया पत्ता है उसे देख देख कर मैं कट कर लेती हूँ सबसे पहले चाकू के छुरी के सहारे। आप चाहे तो कैंची से भी काट सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, काटने में सुविधा लगे। तो मैं यहाँ से जो जो अच्छा पत्ता था उसे कट कर ली हूँ। अब मैं इसे लेके चलती हूँ घर में, इसकी सफाई कर दूँगी सबसे पहले। तो एक बाल्टी या टब या जो भी हो उसमें आप पानी भर के रख लीजिए और एक एक पत्ते को अच्छे से धो दीजिए, क्योंकि इसके पत्ते में जो भी गंदे कीड़ा मिट्टी वगैरह जो भी पड़े होंगे सब अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि इसे मुझे मतलब खाने की चीज़ है, तो इसे अच्छे से बारीकी से साफ़ कर देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे पत्ते की सफाई कर रही हूँ, तो आप भी ऐसे ही करके अरबी के सारे पत्ते धो लेंगे। उसके बाद में मैं इसकी घोल बेटर बनाने के लिए मैं चावल को भिंगो कर रखी थी, तो इसमें अदरक लहसुन डाल के मैं इसको सबसे पहले पेस्ट कर लेती हूँ। चावल को मैं एक घंटे पहले भिंगो दी थी, तो यहाँ पर मैं चावल का पेस्ट करके रेडी कर ली हूँ। इसके बाद मैं इसकी बेटर थोड़ी सी तैयार करूँगी, जो कि आप लोग देखना मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो फिर इसकी मसाला की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, सरसों की मसाला, अदरक लहसुन प्याज सब डाल के, और यहाँ पर मैं उसकी बेटर घोल तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं आटा थोड़ी सी डाल दी थी और सारे मसाले जैसे धनिया पाउडर हुआ, मिर्ची पाउडर हुआ, जीरा पाउडर और सरसों का मसाला का जो हमने पेस्ट बनाया था वो सारे मसाले इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ। और मसाले हमें सरसों, धनिया, जीरा, मिर्ची, गोलमरीच, जो भी अदरक लहसुन प्याज सब पेस्ट कर लेना है। तो सारे पेस्ट किए हुए मसाले मैं एक एक करके यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ, और इसके बाद इसकी घोल को मैं कर लेती हूँ सबसे पहले तैयार। अपनी हाथ या चम्मच के सहारे आप हल्के हाथों से इसे रेडी कर लीजिए, और रेडी करने के बाद हमारा नमक अपने स्वादानुसार ऐड कर दीजिए इसमें। अब यहाँ पर मैं घोल तैयार हो चुकी है हमारी, देख सकते हो, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला करना है, ऐसा बनाना है जो कि पत्ते आपस में चिपक जाए, क्योंकि और यहाँ पर मैं गर्म पानी रखी हूँ, उसके ऊपर दो तीन चार लकड़ी डाल रखी हूँ, और यहाँ पर पत्ते को हमें ज्वाइंट करना है। तो एक एक पत्ते की जो ऊपर की डंठल होती है वो हमें कट करके हटा देनी है सबसे पहले, जो भी जितने सारे पत्ते हैं सबकी जो ऊपर वाली पार्ट्स होती है उसे कट कर लेनी है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक प्लेन सा जगह, तो यहाँ पर मैं चौकी बिछा ली हूँ या फिर फर्श हो जो भी आपको दिखे अच्छा, वहाँ पे बिछा के एक एक पत्ते को आपस में चिपकाना है। गांव में तो देखते थे अगर कुछ ऐसा नहीं हो तो डगड़ा वगैरह वो बांस की जो बर्तन आती है उस पर बिछा बिछा के ऐसे चिपकाते थे आपस में। तो यहाँ पर मैं एक सबके ऊपर पत्ते के ऊपर से वो उसकी घोल जो बनाई थी वो घोल आपस में डाल रही हूँ, ताकि ये आपस में आसानी से चिपक जाए। और सारे पत्ते को ऐसे ही इकट्ठा एक एक करके रख के इसको गोल गोल लपेट देना है और धागे से इसे बांध देना है। बांध के देखिए यहाँ गर्म पानी पे ऐसे डाल के मैं इसे पका चुकी हूँ। मैं बांधते समय थोड़ा सा दिखा नहीं पाई तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पर हमारी वो जो बीरा था वो बंध के पक गया है,
यहाँ पर मैं सुत्ता इसमें बांधी थी धागा, तो धागा को कट करके हटा रही हूँ सबसे पहले, और इसको चाकू से पीस पीस कट कर लेती हूँ, ताकि बहुत टेस्टी बनता है गाइस सच में। एक बार इस स्टाइल से ज़रूर बनाना आप लोग, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना। सारे को मैं पीस पीस कट कर ली हूँ, और इधर जो घोल है उस घोल में एक एक कर डुबाऊँगी, और फिर इसे आप चाहे तो डीप ऑयल में फ्राई करें, या तो फिर हल्की सी थोड़ी सी ऑयल में, या तो ज़्यादा ऑयल, जैसे आपको अच्छा लगे। इसको फ्राई कर लेना है बेसन बेटर में लगा लगा के। काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है गाइस, इसकी मैं बता नहीं सकती। आप लोग अगर खाए हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और इस सब्ज़ी के साथ मक्के की रोटी हो तो फिर चार चांद आ जाती है। आप चाहे तो ऐसे ही तला हुआ भी खा सकते हो। तो एक एक करके यहाँ पे सारा तला जा रहा है, और जब तला हुआ हो जाएगा तो इसके बाद इसकी क्या वो मसाले की फ्राई होगी। तो एक एक करके मैं जितनी साड़ी हमारी है उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब चलती हूँ मैं इसकी मसाले की तैयार फ्राई करने। तो मसाले फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ले रखी थी ऑयल, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची डाल रखी, तेज़पत्ता, और थोड़ी सी सरसों डाल दी हूँ इसके अंदर। और सरसों जब चटक जाए तो इसमें मैं मसाला ऐड कर दी हूँ। और मसाले में सब कुछ तो डला हुआ है, इसको मैं एकदम हल्की गैस को हल्की करके और पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक मसाला पकाना है, तब तक जब तक इसमें से ऑयल छूट न जाए। ऑयल अलग हो जाती है तब इसको पकाने की मज़ा ही कुछ और होती है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे मसाला, इसमें नमक भी डालती हूँ, और गैस कम करके मैं इसे हल्के हाथों मतलब भूंजते रहूँगी। फिर देखना कितनी सुंदर इसकी कलर आ जाती है। यहाँ पे हमारा सारा, इधर मैं साइड पे फ्राई भी कर रही हूँ, और इसको मसाला भी दो तरफ लगा रखी हूँ, फ्राई हो रही है। तो देखो यहाँ पर मसाले से ऑयल डिस्चार्ज होने लगा है, और इसमें अपने मतलब क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी ऐड करना, इतना भी नहीं ज़्यादा दरदरा भी पानी नहीं डाल देना। और इस तरह से इस मसाला पकने पक गया, इसमें इधर हमारी साड़ी फ्राई भी हो गई है, और इसमें मैं करूँगी अब पानी ऐड। तो देख लो यहाँ पर मैं पानी ऐड कर दी हूँ। जब पानी में बॉयल आ जाए तो फिर हमारी जो भी तली हुई है उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, सारे इसमें डाल दूँगी जो मैंने तल के इधर साइड में रखी थी, और धनिया पत्ता वगैरह से सजा दूँगी। इसमें थोड़ी सी नींबू डाल देनी है, क्योंकि खट्टापन कभी कभी काटने लगता है, इसलिए थोड़ी सी नींबू डाल देनी चाहिए खट्टा के लिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात था। और यहाँ पर जितना भी हमारे तली हुई पकौड़ी थी इसमें सब डाल दी। देखो कितनी खूबसूरत सब्ज़ी टेस्टी बनी है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, नानी दादी के तरीके से मैं बनाई थी आप लोगों से, आप लोगों के साथ। आप लोग भी मुझे बताइएगा जो आप लोग क्या इस तरह से ही बनाते हैं। सच में गाइस इसके साथ मक्के की रोटी होती है तो एकदम मज़ा आ जाता है। तो सच में हम तो मक्के की रोटी के साथ खाए, बहुत लोग को चावल के साथ भी पसंद आता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को किस चीज़ के साथ पसंद आता है। अभी मैं पुष्पा से पूछती हूँ, पुष्पा को भी खिलाई थी, कैसा लगा? तो अभी आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करिएगा। पहले पुष्पा से पूछते हैं, पुष्पा कैसा था टेस्ट? सुपर, खाई थी? हाँ थोड़ा। तो पुष्पा को सुपर लगा है। अब आप लोग बताना, और आप लोग तो पकड़ा गया। तो आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी बताना। पुष्पा तू कैसे बनाती है? हम उसको साग की तरह बनाती है, प्याज टमाटर नहीं नहीं काट के काट काट। हाँ तो बहुत लोग उसे मही मही ऐसे कचर देते हैं, कचर कचर के, और ऐसे क्या बोलते हैं उसको, तरुआ पिट्ठा की तरह ऐसे गोल गोल करके लगा देते हैं। लेकिन मैं इस स्टाइल से, मैं गांव में अपनी नानी दादी के हाथों से इसी स्टाइल से खाई हूँ। अच्छा लगा है, अच्छा। और गांव में तो सिलवट्टे पे मसाला पीसे बाटो बाट हाँ वही वो करके सिलवट्टे पे फिर उसको बनाते तो और ज्यादा टेस्टी। और एक दिन बनाओ हमको दो, हम ठीक है जरूर देंगे, जरूर देंगे बालिका। हम दोनों जब हंसेंगे सामने वाला सब कहेगा जब पागल है तुम, किसे हंसते पुष्पा हम दोनों। हे भगवान, अरे ये आज इधर पहाड़ की तरफ ये ऐसे क्यों दिख रहा है धुंधला धुंधला? बारिश उधर ही हो रहा है क्या? सब हम लोग की तरफ नहीं हो रहा है कुछ, उधर तो कुछ अजीब नज़ारा दिख रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। तो शाम के टाइम छत पे कुछ अच्छा नज़ारा रहता है। तो चलिए गाइस हम इस वीडियो को कर दे रहे हैं। आप लोग को कैसा लगा हमारा रेसिपी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। चलिए फिर मिलूंगी अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।